होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन होता क्या है? रेस्पायरेशन में कंप्लीट क्या होता है? रेस्पायरेशन अपने आप में दो चीजों का, इसको मान सकते हैं, दो चीजें इसके अंदर कंप्लीट होती है। एक आपका जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है ह्यूमन बींग्स के अंदर या दूसरों के अंदर की, आप एयर को इंटेक करते हैं और एयर को बाहर निकालते हैं, ये एक साइड है, वन साइडेड मूवमेंट, इनटेक एंड आउट मूव ऑफ गैसेस। जैसे अपन एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में लेंगे तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में इंटेक होगी और CO2 तो आपकी बॉडी से बाहर चली जाएगी। ये एक आधा पोर्शन हुआ रेस्पायरेशन का। हाफ पोर्शन रेस्पायरेशन का ये कहता है कि जो एयर आपने इनसाइड ली या जो ऑक्सीजन आपने इंटेक की, उस ऑक्सीजन की वजह से खुद का ब्रेकडाउन होना चाहिए और खुद के ब्रेकडाउन के द्वारा आपको एनर्जी मिलनी चाहिए। जब ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से कंबाइंड हो जाती है तो उसको आप रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। तो रेस्पिरेशन की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, टू गिव एनर्जी, इट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। मतलब आपको रेस्पायरेशन का मतलब क्या है? फूड है जो आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा फूड का एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन होने के बाद जो अल्टीमेट लास्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें से कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देगा, फैट भी आपको एनर्जी देगा। तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो बनेगा वो आपका ग्लूकोज और फैट के द्वारा जो बनेगा वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। तो अपन जो जनरल सोर्स मानते हैं एनर्जी का वो क्या मानते हैं? ग्लूकोज। इट मीन्स आपकी बॉडी में क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा लास्ट प्रोडक्ट फूड के द्वारा, वही आपको क्या देगा? एनर्जी देगा। तो इस रेस्पायरेशन में होता क्या है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? ब्रेकडाउन, एदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो आप वहां पे डेफिनेशन में आप रेस्पायरेशन की ऑक्सीजन और प्रेजेंस और एब्सेंस को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ होता है। रेस्पायरेशन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन प्रेजेंस में भी होता है ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है ना। तो आप ऑक्सीजन को शो नहीं करें, केवल ब्रेकडाउन किसका? ग्लूकोज का। और आपको क्या मिले? जो भी ऑर्गेनिजम्स है उस ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिल जाती है। तो इस प्रोसेस को रेस्पायरेशन कहते हैं, है ना। तो द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द फूड टू गिव एनर्जी, जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा आपके फूड का, तो आपको उस ऑर्गेनिजम्स के एनर्जी मिल जाएगी और उस प्रोसेस को अपन रेस्पायरेशन कहते हैं, है ना। तो ये पूरी आपकी डेफिनेशन होगी। इसके अंदर केवल आपका फूड का ब्रेकडाउन है, फूड का ब्रेकडाउन होकर आपको जो भी ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है उसको एनर्जी मिल जाएगी और इस प्रोसेस को अपन रेस्पायरेशन कहते हैं। अब देखो, आप टाइप में जाएंगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। और केवल इस डिफरेंस की वजह से रेस्पायरेशन जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। रेस्पायरेशन एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। और समझ में आ गया एरोबिक और एनएरोबिक का अर्थ का डिफरेंस कहां से आ रहा है? यहां से, कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है या ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। तो अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और आपको एनर्जी मिलती है, देन इट इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पायरेशन, है ना। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको एनर्जी मिलेगी और ये एरोबिक रेस्पायरेशन होगा। एनएरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है, पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन
ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है और यहाँ पे भी एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म को मिलती है। पर फर्स्ट सिचुएशन में यह था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सेकंड टाइम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पर ऑक्सीजन के अब्सेंस में हुआ इसलिए इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसके आधार पे आपकी बॉडी के अंदर भी कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है पर एक्सेप्शनल कंडीशंस में जब आपको एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकता है। वो तीनों रेस्पिरेशन के थ्री पाथवेज भी कहलाते हैं जिसका फ्लो चार्ट भी आपको बुक में दिया गया है। तो अपन अगला जो है पाथवेज पढ़ लेते हैं, थ्री पाथवेज ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के तीन पाथवेज क्या क्या हो सकते हैं। पाथवेज तो रेस्पिरेशन में आप फर्स्ट पाथवेज जो फिगर आपके बुक में दे रखा है पेज नंबर 102 पे उसको देखो। ग्लूकोज सबसे पहले यहाँ से ग्लूकोज से स्टार्ट होगा। किसमें टूट रहा है? पाइरूवेट में, है ना। जो फर्स्ट आपका प्रोडक्ट है वो है पाइरूवेट। इसके डिटेल में आप हायर क्लासेस में जाएंगे कि जो ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है वो भी काफी लंबी प्रोसेस है जिसको ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में सारी आएगी। तो उसका डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस ग्लूकोज से पाइरूवेट जो बनता है वो साइटोप्लाज्म में बनता है सेल के, ये आपको याद होना चाहिए। किसके अंदर बनता है? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर अपन जानते हैं सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बीच का जो पार्ट होता है उसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो ग्लूकोज का पाइरूवेट में चेंज है वो चेंज साइटोप्लाज्म में कम्प्लीट होता है। कहाँ कम्प्लीट होता है? साइटोप्लाज्म में कम्प्लीट होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हैं C6H12 और 6 है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है पाइरूवेट और बाकी के आपके फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है इस लेवल में आपको किसी के भी फॉर्मूले। ग्लूकोज का तो ठीक है आना चाहिए, बाकी का आपका किसी को फॉर्मूला नहीं आया तो चले। पाइरूवेट जो होता है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ना। तो ग्लूकोज से पाइरूवेट बन जाएगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया और ये जो प्रोसेस कंप्लीट हुई वो किसमें हुई? साइटोप्लाज्म में। अब जो प्रोसेस कंप्लीट होगी वो अलग अलग पाथवेज के आधार पे है। तो वो पाथवेज क्या क्या हो सकते हैं? वो तीन प्रकार के हैं। फर्स्ट पाथवेज आपका, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पाथवेज से एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब अगर आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट किसमें होता है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट पाथवेज में क्या होगा? अब्सेंस है ऑक्सीजन का, अब्सेंट है ऑक्सीजन के। अब्सेंस में आपका पाइरूवेट का डिवीजन होगा और ये एग्जांपल कौन से है इसके? ईस्ट जो होता है वहां पे होता है। और इसकी टाइप क्या हो गई? एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रकार कौन सा हुआ? एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ईस्ट में होता है, छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ईस्ट भी होते हैं, उनके अंदर ये होता है। बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। जो प्रोडक्ट है वो बनेंगे इथेनॉल प्लस CO2 और एनर्जी, ये प्रोडक्ट है। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH है। कार्बन दो का मॉलिक्यूल है, दो कार्बन मॉलिक्यूल है। तो बाय प्रोडक्ट में जो बनेगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन के वो आपका
इथेनॉल होगा जो कार्बन टू मॉलिक्यूल है, टू कार्बन का मॉलिक्यूल है, और फिर CO2 बनेगी और एनर्जी बनेगी, और ये एब्सेंस ऑफ ऑटो में होगा, इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ये कंप्लीट होगा आपके ईस्ट में। सेकंड जो पाथवे से वो है लैप ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा फॉर आवर मदर सेल्स में, है ना, लैप ऑफ O2, तो एनारोबिक ही है, इसमें रेस्पिरेशन जो है एनारोबिक है पर ही ह्यूमन मदर सेल्स। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बिल्कुल हो सकता है आपकी बॉडी में, पर कब, जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं या ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जब आपको कंप्लीट जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए उसके आपको नहीं मिल पाती है, तब भी आपकी बॉडी का मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग है और तब भी आपके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, पर अब्सेंस में होगा, ऑक्सीजन के अब्सेंस में। मतलब अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है फिर भी आपको बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकती है, और वुमन पर यह एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा का, जैसे बहुत तेज दौड़ते हैं, दौड़ते समय आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो बिल्कुल आपके वुमन मदर सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करेगी और अब्सेंस में भी ग्लूकोज को तोड़ देगी, पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक्टिक एसिड, एक प्रोडक्ट बनेगा लैक्टिक एसिड और फिर उसमें एनर्जी मिल जाएगी। लैक्टिक एसिड भी थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है, लैक्टिक एसिड भी थ्री कार्बन का मॉलिक्यूल से। अगला जो है जो आपकी बॉडी में कॉमन है वो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन है, और ये आपकी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कंप्लीट कहाँ होती है, जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन विल कंप्लीटेड इन द बॉडी ऑफ ईस्ट की बॉडी में कंप्लीट होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर ह्यूमन बॉडी में होता है तो वो कहाँ होगा, साइट कौन सी है, ह्यूमन मसल सेल्स, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ह्यूमन बॉडी में, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए आप माइटोकॉन्ड्रिया को इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ बॉडी, पावर हाउस ऑफ सेल। थर्ड है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस ऑफ सेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन फूड का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यही आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसी की वजह से चूंकि आपको एनर्जी मिलती है इसीलिए इसको आप पावर हाउस कहते हैं। आपका स्टमक पावर हाउस नहीं कहलाता है क्योंकि वो आपको एनर्जी नहीं दे सकता, वो केवल फूड का डाइजेशन कर सकता है, बट आपको एनर्जी तो रेस्पिरेशन के द्वारा ही मिलेगी। अगर आपको खाना अच्छा खाते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आपकी बॉडी में पर्याप्त अमाउंट में एनर्जी मिलती रहेगी, नहीं मिलेगी। अगर आपके हीमोग्लोबिन काउंट कम है और अगर ऑक्सीजन जो है प्रॉपर अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पहुंच पाती है हीमोग्लोबिन की वजह से, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज कितना है उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इतनी है कि जो हीमोग्लोबिन है वो आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया तक कितने अमाउंट में पहुंच पाता है, जितनी मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलेगी एडिक्वेट अमाउंट में उतना आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा और उसकी आपको एनर्जी मिलेगी। तो अगर हीमोग्लोबिन काउंट कम होता है तो आप अच्छा खाते हैं या नहीं पीते फिर भी आप कमजोर रहेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचे और ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके बनेंगे CO2, वाटर और एनर्जी। CO2 बनेगा, दूसरा H2O बनेगा और तीसरा एनर्जी बनेगी। ये वन कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये थ्री पाथवेज है, जो थ्री पाथवेज आपकी इंपॉर्टेंट है ना। एक बार और देख लो, ग्लूकोज सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है, पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है जो थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है। ये प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर पाइरुवेट जो होता है वो अलग अलग साइट में अलग अलग वेज में डिवाइड होता है। अगर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है ईस्ट के अंदर तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, पाइरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा और इथेनॉल, CO2 और एनर्जी बनेगी। इथेनॉल
दो कार्बन मॉलिक्यूल है। अगर पाइरूवेट आपकी ह्यूमन सेल्स में एनएरोबिक वे में ब्रेक डाउन होता है, जहां पे जब आपको एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिले, यहाँ पर आप हार्ड वर्क करते हैं, तो ह्यूमन मसल सेल्स उस हार्ड वर्क के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ऑब्टेन कर सकती है और वो बिना ऑक्सीजन के भी ऑब्टेन कर सकती है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो कर सकती है। तो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी, थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो नॉर्मल है आपकी बॉडी का, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा और CO2 H2O और एनर्जी आपका बाय प्रोडक्ट होगा और ये वन कार्बन मॉलिक्यूल है। ये आपके थ्री पाथवेज हो गए। जो एनर्जी यहाँ पे बनती है वो सभी जनरली किसके अंदर स्टोर रहती है, ATP के अंदर। एनर्जी ATP, तो ATP आपकी करेंसी है ना, एनर्जी करेंसी है, इसको एनर्जी करेंसी कह सकते हैं। करेंसी का मतलब क्या होता है, जिससे आप कोई चीज खरीद सके, है ना, वो आपकी मुद्रा करेंसी। तो एनर्जी करेंसी कौन है आपकी बॉडी की, ATP। ये ATP के रूप में आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर रहती है। जब भी आपको एनर्जी चाहिए, ये ATP मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और ATP मॉलिक्यूल किस क्या बनाता है, ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा। तो फिर इस ATP से क्या मिल जाएगी आपको, एनर्जी मिल जाएगी, है ना। तो आपकी बॉडी में जब एनर्जी बनती है तो उसी समय तो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती है। एनर्जी क्या होती है, जब आप यूज करेंगे तब खर्च होगी। तो एनर्जी आपकी बॉडी में क्या रहनी चाहिए, स्टोर किस रूप में रहती है, ATP के रूप में। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, है ना। तो ये फुल फॉर्म है इसकी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। फॉस्फेट के जितने मॉलिक्यूल है उसके आधार पे, अगर तीन मॉलिक्यूल है तो ट्राई फॉस्फेट। ADP की फुल फॉर्म भी वही रहेगी एडिनोसिन, कितने मॉलिक्यूल है इसके फॉस्फेट के, डाई, तो डाई फॉस्फेट। एडिनोसिन डाई फॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो ATP ADP के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। ATP की फुल फॉर्म समझ में आ गई, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट उसकी फुल फॉर्म है। ये एनर्जी करेंसी कहलाती है और जब आपको एनर्जी चाहिए तो ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। और जब आप फूड खाएंगे वापस आपको एनर्जी मिलेगी, तो ये ADP वापस रिवर्स रिएक्शन में कन्वर्ट होते जाएंगे और ATP के अंदर स्टोर होते जाएंगे। तो जो ATP बनेगी वापस आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बना देंगे और ATP से आपकी बॉडी में स्टोर एनर्जी रहेगी। तो ये एक तरीका है जिससे आप एनर्जी प्राप्त करते हैं। फिर दूसरी चीजें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ना। तो अपन एक चीज यहाँ पे, तो यहाँ एरोबिक और एनोरोबिक अपन एक कब मानते हैं, जैसे आपकी बॉडी एनोरोबिक रेस्पिरेशन शो कब करेगी, कब एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगी, तो नॉर्मल कंडीशन जो है जहाँ पे आपको एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया में ही वो कंप्लीट होगा और ये आपकी नॉर्मल प्रोसेस है, ये आपकी एबनॉर्मल प्रोसेस है। इट मीन ऐसी कंडीशन है जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको एनर्जी एडिक्वेट अमाउंट में ज्यादा चाहिए और ऑक्सीजन लेवल एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है, तब आपका एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इस तो उसमें एनोरोबिक रेस्पिरेशन ही नॉर्मल है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता ही नहीं है ना। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। थ्री पाथवेज कंप्लीट हो गए, तो इसके आधार पर आपको ये समझ में आ गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनोरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनोरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में जाओगे तो क्या होगा, द रेस्पिरेशन इन विच द ग्लूकोज गेट ब्रेक डाउन इंटू इथेनॉल CO2 एंड एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एन एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस पूरी प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। द रेस्पिरेशन इन विच द ग्लूकोज गेट ब्रेक डाउन इंटू इथेनॉल CO2 एंड एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, द रेस्पिरेशन इन विच द ग्लूकोज गेट ब्रेक डाउन इंटू CO2 वाटर एंड एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक।
ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों में पता चल जाएगा, तो इनके आधार से आप एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस लिख सकते हैं। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन सदैव ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा या प्रेजेंस में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो इथेनॉल, CO2 और एनर्जी है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो बाय प्रोडक्ट है वो CO2, H2O और एनर्जी है। दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस जो है, एरोबिक एनोरोबिक रेस्पिरेशन सदैव लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। फोर्थ, अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी बनती है उसका अमाउंट कम होता है और ये जो बनती है वो ज्यादा अमाउंट में बनती है ना। तो जब एनरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो जो एनर्जी बनेगी उसका अमाउंट भी कम होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो जो एनर्जी बनेगी उसका अमाउंट भी ज्यादा होगा। तो इन दोनों के कंपेयर के आधार से आप एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन में आराम से डिफरेंस लिख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये आपकी लैक्टिक एसिड। जब आपका बॉडी एबनॉर्मल कंडीशंस में एनरोबिक रेस्पिरेशन शो करती है तो मसल सेल्स के अंदर जो लैक्टिक एसिड बनता है ये मसल क्रैम्प कर सकता है। मसल क्रैम्प किसको कहते हैं? मसल क्रैम्प का मतलब होता है आपके हाथ पांव बहुत तेज दुखेंगे, है ना, तो दर्द करेंगे, मसल क्रैम्प हो जाते हैं। और उसका रीजन ये है कि लैक्टिक एसिड, क्योंकि ये जॉइंट में जमा हो जाता है। जॉइंट जो होते हैं ना आपके हड्डियों के जोड़, उन हड्डियों के जोड़ में ये जमा हो जाता है और उसकी वजह से आपके मसल्स क्रैम्प करती है, आपके मसल्स में तेज दर्द होता है। जैसे अगर आपको दौड़ा दिया जाए, कभी आप दौड़ते नहीं है, और अगर आपको 2 किलोमीटर दौड़ा दिया जाए तो शाम को आपके बहुत ज्यादा हाथ पांव दुखेंगे, उसमें कुछ सूजन भी आ सकती है, तो वो किसकी वजह से है? इस लैक्टिक एसिड की वजह से। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? दो तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या तो आप रेस्ट करें, हॉट वाटर से बात करें, या ऑयल मसाज करें। तो उससे क्या होगा? उससे आपका ब्लड का रोटेशन इंक्रीज होगा, और ब्लड का रोटेशन अगर इंक्रीज होगा तो ये लैक्टिक एसिड वापस कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब वापस एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और ये लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होकर ये CO2, H2O और एनर्जी बना देगा। तो लैक्टिक एसिड वापस ब्रेक डाउन हो जाएगा और CO2, H2O और एनर्जी बना देगा, और आपका लैक्टिक एसिड जैसे ही आपकी बॉडी में खत्म हुआ आपके मसल क्रैम्प भी स्टॉप हो जाएगी। तो उस लैक्टिक एसिड को खत्म करने का तरीका ये है, या तो आप रेस्ट करें, तो नॉर्मल वे में 7-8-10 घंटे के रेस्ट में वो आपकी बॉडी नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा ही उसको खत्म कर देगी। या आप जल्दी रिलीफ चाहते हैं तो गर्म पानी से नहाएं या ऑयल की मसाज करें तो आपको रिलीफ जो है वो फास्ट मिल जाएगा, और उस ऑयल मसाज की वजह से जो आपका ब्लड का रोटेशन है वो इंक्रीज होगा, और ब्लड का रोटेशन इंक्रीज होने पर सारा लैक्टिक एसिड धीरे धीरे CO2, H2O और एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा, और जैसे ही आपकी बॉडी का लैक्टिक एसिड खत्म हुआ आप नॉर्मल फील करने लग जाएंगे और आपकी बॉडी में मसल क्रैम्प नहीं रहेंगे। ये आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो जनरल है वो है। पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 101 पे एक्टिविटी दे रखी है आपको, एक्टिविटी 6.4 एक्टिविटीज भी आपको करनी है, एक्टिविटी 6.4। इससे आपको ये बताया गया है कि आप जो ब्रीथ आउट करते हैं, बाहर जो गैस आप निकालते हैं वो आपकी CO2 होती है, पर इसको आप कंफर्म कैसे करेंगे? हाउ विल यू प्रूव दैट द एडजस्ट गैस बाय आवर बॉडी इज CO2, है ना? जो ब्रीथ आउट करते हैं आप, बाहर जो गैस निकालते हैं वो CO2 है, इसको आप कैसे कंफर्म करेंगे? तो उसका टेस्ट दे रखा है, उसका फिगर भी आपको बुक में दे रखा है 6.7। देखें, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर लेना है, और आपको उस लाइम वाटर के अंदर मुंह से जो फूक है वो मारनी है, जो आपकी CO2 है वो लाइम वाटर के अंदर जाएगी। इसका टेस्ट आप
फर्स्ट लेसन में ही पढ़ चुके हैं रिएक्शन, तो जो केवल चॉइस है लाइव मैटर है उसके अंदर अगर आप CO2 पास करते हैं तो CaCO3 और H2O बनता है और ये वाइट PPT होता है, ये आपका लाइव मैटर। तो लाइव मैटर के द्वारा आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो आप ब्रीथ आउट गैस है जो आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है वो क्या है, CO2 है। कैसे, जब आप लाइव मैटर के अंदर CO2 को पास करेंगे तो वाइट PPT बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो प्रेजेंस ऑफ वाइट PPT इट कंफर्म्स द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। अगर वाइट PPT आ जाता है तो वो ये कंफर्म करता है कि जो गैस लाइव वाटर में पास की गई थी वो CO2 है। सेकंड जो बात की एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 6.5 वो क्या बताती है, वो ये बताती है फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल, उस दौरान भी जो गैस इवॉल्व होती है वो क्या होती है, CO2 होती है। और उसको भी आप टेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल ऊपर वाली एक्टिविटी से आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो जो फर्मेंटेशन है वो कन्वर्जन है, एल्कोहल बनाने की मेथड है जिसमें शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, उस मेथड के दौरान भी CO2 इवॉल्व होती है। और उसको भी अगर आप टेस्ट करना चाहें तो बिल्कुल वही लाइव वाटर के अंदर आप CO2 पास करें, और लाइव वाटर के अंदर अगर आप CO2 पास करते हैं तो वही आपका वाइट PPT बनेगा जो ये कंफर्म करता है कि जो गैस इवॉल्व है वो आपकी CO2 है। एक्टिविटी 6.6 जो है वो आपको बताती है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड पे रहते हैं और जो वाटर के अंदर रहते हैं, उन दोनों के अंदर आपको क्या डिफरेंस लगता है, दोनों के अंदर दोनों की जो रेट है श्वसन रेट दोनों एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, ये दोनों में सिमिलरिटीज है कि दोनों एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ब्रीथिंग रेट जो है वो फास्ट है और यहाँ पे जो ब्रीथिंग रेट है वो स्लो है, बटवार है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए पर ऐसा क्यों कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स की ब्रीथिंग रेट फास्ट होती है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स की ब्रीथिंग रेट स्लो होती है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए वाय क्यों, क्यों एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स की ब्रीथिंग रेट फास्ट होती है और टेरेस्ट्रियल की स्लो होती है। ब्रीथिंग रेट का मतलब होता पता चला, एक मिनट के दौरान आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की काउंट जो होती है उसको ब्रीथिंग रेट कहते हैं। How many times you inhale or exhale a gas in 1 minute? That is called breathing rate. So, वो fast क्यों है? क्योंकि dissolved oxygen in water is less as compared to O2 in air. देखो यहाँ जो एयर के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो 21% है, काफी ज्यादा होता है। जो आप एयर इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, 21%, जबकि ये जो गिल्स के द्वारा करते हैं, किससे के द्वारा करते हैं, रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा, और अपन किससे करते हैं, लंग्स के द्वारा। तो जो गिल्स के द्वारा जो वाटर इनहेल करेंगे उसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो एरियल ऑक्सीजन के अनुपात में बहुत कम होती है। एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है पर ये 21 नहीं होती है, ये बहुत कम होती है। तो ऑक्सीजन जो है डिजोल्व वो चूंकि बहुत कम मात्रा में है तो इसलिए बार बार आपको ज्यादा से ज्यादा पानी लेना पड़ेगा तो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई को बनाए रखने के लिए, तो आपकी ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्रीथिंग रेट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की तुलना में फास्ट होती है। उसका रीजन क्या होता है, ये कि वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है उससे बहुत कम होता है। चूंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ही ज्यादा है
और इसीलिए वहाँ पे ब्रीथिंग रेट स्लो होती है और इधर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है और इसीलिए यहाँ पे ब्रीथिंग रेट फास्ट होती है। तो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके जो पार्ट्स हैं वो आपके फिगर 6.9 जो आपकी बुक में दे रखा है उसको देखो। जो मेजर पार्ट होते हैं वो आपका नाजल पैसेज, फिर पैरेंट, लैरेंज, ट्रेकिया, ब्रॉन्की, ब्रॉन्चियल्स एंड एल्वियोली, ये लास्ट आपका है जो लंग्स। तो ये आपके मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट आपका जो पार्ट जहाँ से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है वो नाजल पैसेज, जहाँ से एयर आपकी आपकी बॉडी में एंटर होती है। नाजल पैसेज के बाद आता है फैरिंक्स, थर्ड होता है फैरिंक्स और ब्रॉन्की, फिर ब्रॉन्चियल्स और ब्रॉन्चियल्स लास्ट में कंप्लीट होगी एल्वियोली में, है ना, लास्ट आपका। ये दोनों लंग्स के अंदर होती है ब्रॉन्चियल्स। ब्रॉन्की जब डिवाइड होती है दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड में जो लंग्स में एंटर होगी तो उसको आप ब्रॉन्चियल्स कहते हैं। तो ब्रॉन्चियल्स और एल्वियोली दोनों आपके लंग्स के इनसाइड पाई जाती है। एल्वियोली भी आपका लंग्स के इनसाइड है या आपका पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन नाजल पैसेज से आ जाते हैं। तो नाजल पैसेज से आपकी एयर एंटर होती है ना, तो आपकी बॉडी में एयर एंटर होती है तो इनके अंदर एयर्स होते हैं और मुकस होता है। इन दोनों का फंक्शन क्या है एयर और मुकस का नाजल पैसेज में? तो ये क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है, एयर को मॉस्ट करता है और एयर के अंदर जो पार्टिकल्स रह जाते हैं जो मान लो आपके सोइल के हैं या और कोई डस्ट है ना, माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको ये यहीं पे स्टॉप कर देता है ना। तो ये क्या करते हैं, एयर को क्लीन करने का काम करते हैं, क्लीन और मॉस्ट करने का काम करते हैं, है ना। तो जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है कम हो सकता है एयर का, तो वो अकॉर्डिंग टू बॉडी उसको कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है कि उसको मॉस्ट बना दी जाए। तो एयर को बिल्कुल मॉस्ट कर देते हैं ये और क्लीन कर देते हैं। एयर भी होंगे और मकस भी होगा। तो मकस भी क्या करता है, जो भी पार्टिकल्स आपके बॉडी में एंटर करते हैं सोइल और उनको अदर कर लेता है और एयर के द्वारा वो छनते जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाजल पैसेज में एयर और मकस दोनों हो और इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है एयर को क्लीन करने के लिए और उसको मॉस्ट बनाने के लिए। तो जो आपकी बॉडी में या नाजल पैसेज से जो एयर फेरेंस में जाएगी वो क्लीन भी होगी और मॉस्ट भी होगी, ठीक है। फेरेंस जो है वो इसके जस्ट बाद है, नाजल पैसेज के बाद है जो एयर होती है वो फेरेंस के अंदर एंटर करती है। फेरेंस के बाद लैरेंस के अंदर आ जाती है और लैरेंस से फिर ब्रॉन्की के अंदर आ जाती है। यहाँ जो चीज इंपॉर्टेंट है वो सी शब्द, यहाँ पे ये रिंग्स होती है, सी शब्द रिंग्स, यहाँ पे ये जो रिंग्स है आपका जो गला का पार्ट है यहाँ पे हल्की 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 रिंग्स है, ये इम्पोर्टेंट है। ये रिंग्स आपकी बॉडी में ये कंफर्म करती है कि जब आपकी बॉडी के अंदर एयर नहीं आती है तो ये जो एयर पाइप है वो कोलैप्स नहीं हो जाए, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको एयर जो होता है वो कोलैप्स हो जाएगा। आपने पानी की नली देखी, पानी की नली के अंदर अगर पानी नहीं आता है तो वो चप्पी हो जाती है क्योंकि एयर का प्रेशर होता है। तो एयर के प्रेशर को हैंडल करने के लिए जरूरी है कि ये सी आकार के आपके छल्ले या रिंग्स आपकी फेरेंस या लैरेंस के ऊपर हो तो ये इस पाइप को पिचकने से बचाएंगे। अदरवाइज अगर ये नहीं होते तो एयर का प्रेशर इतना होता है कि एयर पाइप क्या हो जाता है, पिचक जाता है और पिचक जाता है तो आपकी डेथ हो सकती है। तो उस पाइप को कोलैप्स होने से या पिचकने से बचाने के लिए यहाँ पे सी शेप्ड कैल्शियम की कार्टिलेज की रिंग होती है ना। कार्टिलेज जानते हो, कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, जो न तो बोन है और न बजल्स है, मतलब बीच का पार्ट है। तो बोन से थोड़ा कम हल्का होता है
और मजल से स्ट्रॉन्ग होता है, तो दैट इज कार्टिलेज। तो कार्टिलेज की तीन रिंग्स होती है और ये इसको कोलैप्स होने से बचाती है। ब्रोंचीज जो मेजर आपके लंग्स तक जो एयर को ले जाएगी वो ब्रोंची है, और आपके चेस्ट में जाने के बाद ये ब्रोंची लेफ्ट और राइट दोनों तरफ डिवाइड हो जाती है। तो लेफ्ट साइड आपके लेफ्ट लंग्स में जाएगी और राइट जो होगी वो राइट लंग्स में जाएगी। ठीक है, लंग्स में जाने के बाद ब्रोंचियल और ज्यादा पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाती है, और हर एक डिवाइड के ऊपर जो हर एक ब्रांच है उसके ऊपर क्या होता है, एल्यूवली होता है। तो एल्यूवली की काउंट आपके नंबरलेस होती है, बहुत ज्यादा काउंट होती है। तो जो फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, दैट इज कॉल्ड एल्यूवली, जो एयर एक्सचेंज का काम करती है, जहां पे रेस्पायरेशन कंप्लीट होता है, जहां पे गैसेस एक्सचेंज कंप्लीट होता है, वो आपका एल्यूवली है। यहाँ पे आपका गैसेस एक्सचेंज ब्लड और बॉडी के अंदर बनेगा, है ना। तो ये एल्यूवली से, तो एल्यूवली का अभी ब्रांचोस, जब ब्रांचोस डिवाइड होती है सारी ब्रांचोस में, तो हर एक ब्रांच एक छोटे से सर्कुलर शेप में एंड होती है, और उस सर्कुलर शेप को अपन एल्यूवली कहते हैं। ठीक है, तो ये एल्यूवली यहाँ पे। अब एल्यूवली जो है वो आपकी लंग्स की फंक्शनल यूनिट है, बस इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, इनका फंक्शन क्या है। देखो फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारा एल्यूवली फंक्शन जो कर रही है गैसेस एक्सचेंज का, वो सभी क्या करती है, एल्यूवली करती है। एल्यूवली को इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि ये सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है। गैसेस एक्सचेंज का जो सरफेस एरिया होता है उसको ये एल्यूवली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है, को इंक्रीज कर देता है, और इसीलिए स्मूथ गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। स्फेरिकल शेप जो होती है, ये छोटी छोटी स्फेरिकल शेप होती है, और स्फेरिकल शेप का एरिया भी सबसे ज्यादा होता है। तो ये स्फेरिकल शेप उस पूरे लंग्स की सरफेस एरिया को काफी गुना इंक्रीज कर देते हैं, ताकि बॉडी के अंदर और लंग्स के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो बहुत स्मूथ वे से कंप्लीट हो जाए। और वो कंप्लीट का करने का श्रेय किसको है, एल्यूवली का। आपके पेज नंबर बुक के पेज नंबर 105 देखो, 105 पेज पर आपको फर्स्ट डू यू नो एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें उसको देखो आप, उसके पॉइंट पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट है, इफ द एल्यूवली एल्यूवलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, मतलब इन एल्यूवली को अगर आप ओपन करके ऐसे सीट के रूप में स्प्रेड करते हैं, देन इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर एरिया। 80 मीटर स्क्वायर एरिया का मतलब जानते हो, 80 × 80 है ना टोटल, बहुत ज्यादा होता है। 80 मीटर का स्क्वायर एरिया जो है उसको ये कवर कर लेती है, मतलब एल्यूवली की सतह कितनी हो सकती है, जबकि लंग्स की साइज कितनी होती है, इतने से ये लंग्स तो 80 से है, और एल्यूवली के 80 मीटर का मतलब क्या है ना, 80 मीटर काफी ज्यादा होता है। तो 80 मीटर का जो एक बड़ा कमरा होता है हॉल टाइप, उतने एरिया को स्प्रेड कर सकती है, मतलब सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो गया, काफी गुना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, वो इसी एल्यूवलीज की वजह से। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज, आपकी बॉडी का सरफेस एरिया तो बहुत कम है, 80 मीटर स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत कम है। कंसिडर हाउ इफिशियंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस, और ये गैसेस एक्सचेंज का इतना सरफेस एरिया ही ये तय करता है, यहाँ पे इजी वे में गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। अगर एल्यूवलीज नहीं होते तो गैसेस एक्सचेंज अपने बॉडी में इजी वे में नहीं हो पाता। अगला उसी में पॉइंट देखो, इफ रेस्पायरेटरी सिस्टम आपके बॉडी में नहीं होता है, सेकंड पॉइंट आपको ये बताता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी। अगर आपकी बॉडी में रेस्पायरेटरी सिस्टम ही नहीं होता तो क्या होता, तो आपकी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से होता, डिफ्यूजन से। आपके नोजल प्रदेश में जो आपकी गैस वो ऑक्सीजन आती है वो डिफ्यूजन के द्वारा दूसरे सेल्स को देती, फिर दूसरे सेल्स को देती है, और लास्ट में आपके बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचती। और उसके उलट आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम है जिसमें एक चैनल या ट्यूब्स बने हुए हैं, और वो पूरी गैसेस को हर एक पार्ट में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। तो सेकंड पॉइंट देखो, इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, अगर आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता, केवल डिफ्यूजन होता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अगर ऑक्सीजन पहुंचानी होती, तो इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 इयर्स फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर टॉइज फ्रॉम आवर
लंग्स। तो ये कह रहा है कि अगर केवल डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती तो आपके जो लंग्स है उससे आपके पैर के जो अंगूठा है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने में लगभग 3 साल लग जाते। कितने साल? 3 साल। तो 3 साल के द्वारा आप लंग्स केवल टॉइस तक ऑक्सीजन को पहुंचा सकते हैं, जबकि ये जो प्रक्रिया होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा वो काफी फास्ट होती है ना। तो इसीलिए वेल डेवलप अपन जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म से फर्स्ट अपन ने लेसन स्टार्ट किया था तब भी बताया मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम या वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम नेसेसरी है, इसके बिना वहां पे वो चीजें कंप्लीट नहीं हो सकती। डिफ्यूजन से आप सारी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपके अंदर वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। आरंट यू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन? और तुमको खुशी होगी कि अपनी बॉडी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो अपन अगले लेसन में अगले जो टॉपिक है आपका लाइफ प्रोसेस का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें पूरा सर्कुलेशन पढ़ेंगे आपका सर्कुलेशन होता किस प्रकार से है। यहाँ पे आप केवल देखो लंग्स के आउटर साइड में ब्लड वेसल्स होती है, हाईली वस्कुलर एरिया होता है ये, मतलब वस्कुलर एरिया का मतलब होता है ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है ना। तो ये ब्लड वेसल्स करती क्या है उसके आसपास, जैसे आपके यहाँ पे एल्यूलीज के अंदर गैसेस आती है तो एल्यूलीज के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है और यहाँ जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर CO2 का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तो होगा क्या, CO2 इस ब्लड से एल्यूली के अंदर जाएगी और ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर चली जाएगी। तो ऑक्सीजन को कौन कैरी करेगा? हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में आप डिटेल ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी केवल आप ये देख लो गैसेस एक्सचेंज होता कैसे, तो गैसेस एक्सचेंज समझ में आ गया, ये आपके एल्यूली से एल्यूली के जस्ट पास ब्लड वेसल्स होती है। ये ब्लड वेसल्स क्या होती है, सारे जो आपका बॉडी है उससे ब्लड को कलेक्ट करके लाती है, तो उसके अंदर सारी सेल्स की CO2 होती है, तो उसके अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। एल्यूलीज के पास ऑक्सीजन जो एयर है वो कहाँ से आई है, बाहर से, एनवायरमेंट से, इसलिए अंदर इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। CO2 का परसेंटेज 0.022% है, वो नेग्लिजिबल है, तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो होगा डिफ्यूजन के द्वारा, किसके द्वारा होगा, डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन चूंकि एल्यूलीज में ज्यादा है और ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसमें कम है, तो ऑक्सीजन एल्यूलीज से ब्लड वेसल्स के अंदर मूव कर जाएगी और जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर CO2 ज्यादा है तो वो वहां से एल्यूलीज के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। अब वापस उल्टी प्रोसेस चलेगी, एक प्रोसेस आपका ये इनहेलेशन हो गया जो अपन बाद में पढ़ेंगे, एक्सहेलेशन में वापस ये लंग के जो CO2 एल्यूलीज के पास आई वो एल्यूली ब्रॉन्चोल्स को देगा, ब्रॉन्चोल्स से ब्रॉन्ची में आएगी, लैरिंक्स, फैरिंक्स और नाजल प्रदेश के द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी। मतलब O2 का जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से है और CO2 का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल रिवर्स है। O2 आपकी बॉडी में इन्वायरमेंट से एल्यूली तक और ब्लड वेसल्स तक जाएगी, तो उसका जो पाथ होगा वो होगा नाजल प्रदेश, फैरिंक्स, लैरिंक्स, ब्रॉन्ची, ब्रॉन्चोल्स, एल्यूली और ब्लड वेसल्स, है ना। पर CO2 का जो प्रदेश होगा वो उल्टा होगा, यस। तो एल्यूली से ब्रॉन्चोल्स, ब्रॉन्ची, लैरिंक्स, फैरिंक्स और नाजल प्रदेश और वो बॉडी के बाहर निकाल दी जाएगी। ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। केवल एक चीज बची है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन और उसका मैकेनिज्म, उसको भी अपन फास्ट कंप्लीट कर देते हैं फिर कल से। नेक्स्ट टॉपिक आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या होता है और उसका मैकेनिज्म, मतलब इनहेलेशन आप क्यों कर पाते हैं, एक्सहेलेशन क्यों होता है, उसको आप मैकेनिज्म कहते हैं। डेफिनेशन है इनहेलेशन का, इनटेक ऑफ O2 इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन और एयर, और एयर मान सकते हो ऑक्सीजन मान सकते हो, अपन ऑक्सीजन ही मानते हैं। तो ऑक्सीजन जब आप आपकी बॉडी में इंटेक करते हैं, लेते हैं, तो उस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन का मतलब होता है
removal of CO2 from our body, है ना, रिमूव कर देना CO2 को बाहर, ब्रीथ आउट, है ना, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ब्रीथ आउट ऑफ CO2 फ्रॉम आवर बॉडी, या रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम आवर बॉडी, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड ब्रीथ आउट ऑफ CO2 फ्रॉम आवर बॉडी, या रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स इनवर्ड और एक्सहेलेशन मीन्स आउटवर्ड, बाहर का मूवमेंट, इनवर्ड आपका मूवमेंट होता है ऑक्सीजन का और आउटवर्ड मूवमेंट होता है CO2 का, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन और एक्सेलेशन। अब आपका इनहेलेशन और एक्सेलेशन होता क्यों है, तो उसके लिए आपको इसका फिगर समझना पड़ेगा। लंग्स जो होते हैं वो इस प्रकार से, लंग्स के अंदर ये आपके दो लंग्स हैं और यहाँ पे डायग्राम होता है ना ये, और इसके बाहर रिप्स होती है, ये लंग्स है, लंग्स के बाहर क्या होती है, रिप्स दोनों तरफ, ये रिप्स है, ये लंग्स है, ये भी इधर भी रिप्स होगी दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ आपकी रिप्स होगी, और उनके नीचे लंग्स होता है, और ये है डायफ्राम, है ना। डायफ्राम का जो फिगर देखो, आपका फिगर दे रखा है 6.9 पेज नंबर 104, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिगर दे रखा है, उसको देखो, लंग्स है, लंग्स के ऊपर रिप्स है, रिप्स के नीचे डायग्राम है ना। तो जो आपका इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट होता है वो इन दो की वजह से, एक मूवमेंट रिप्स का और दूसरा मूवमेंट डायग्राम का, है ना, दोनों मूवमेंट। तो आप जो रिप्स है, अगर वो रिप्स है ना कहा मूवमेंट करेगी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वो कभी होगा हाई टू लो, हाई टू लो, इसको मैकेनिज्म समझ ले पहले, आप ये समझ लो मूवमेंट होता कैसे है। तो एयर के अंदर जो होती है वो ऑक्सीजन क्या होती है, हाई, तो आपके जो लंग्स है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होना चाहिए, लो, ऑक्सीजन का अमाउंट लो कब होगा, वॉल्यूम ज्यादा हो, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो बहुत ज्यादा, है ना। तो उसके अंदर लंग्स का अगर वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन की वहां पे कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगी। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, रिप्स का आउटवर्ड मूवमेंट होगा, और आपका डायग्राम का अपवर्ड मूवमेंट होगा, तो रिप मूव करेगी आपकी आउटसाइड और डायग्राम मूव करेगा डाउन, मतलब यह आपको यू रिप तो मूव करेगी आउट, बाहर निकलेगी, है ना, आउट से, और डायग्राम जाएगा डाउन। तो अगर आपका ये बाहर जाएगा और वो नीचे जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर जो है एयर का कम बनेगा, तो रिप्स मूव करेगी आउटवर्ड, डायग्राम मूव करेगा डाउनवर्ड, तो एयर का इंटेक हो जाएगा, इसको अपन इनहेलेशन कहते हैं, इसका उल्टा एक्सहेलेशन है, तो रिप्स जो मूव करेगी वो इनवर्ड अंदर की तरफ मूव करेगी, और आपका डायग्राम जो है वो अपवर्ड मूव करेगा, और इससे यहां पे जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे बढ़ जाएगा, और प्रेशर एयर का यहां पे ज्यादा होने की वजह से वो सारी एयर बाहर की तरफ निकाल दी जाएगी। तो हाई टू लो प्रेशर मूवमेंट होगा, लो प्रेशर बनाने के लिए आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा, जब रिप आउटवर्ड मूवमेंट करे और डायग्राम डाउन मूवमेंट करे, तो जो आपके फेफड़े हैं वो फैलेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एयर का प्रेशर डाउन होगा, और प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो
बाहर की हाई प्रेशर से एयर इनसाइड आ जाएगी और इसको अपन इनहेलेशन कहते हैं। तो मैकेनिज्म ये है, और अगर आप बाहर की तरफ मूवमेंट कराना चाहते हैं तो आपके लंग्स का प्रेशर आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और इसको प्रेशर बढ़ाने का क्या तरीका है, वॉल्यूम को डिक्रीज किया जाए। वॉल्यूम को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, रिब्स अब मूवमेंट करेगी इनवर्ड और डायफ्राम मूव करेगा अपवर्ड, तो जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ जाएंगे छोटे से एरिया में, और छोटे से एरिया में सिकुड़ जाएंगे तो प्रेशर जो होगा वो हाई हो जाएगा और सारी एयर जो लंग्स के अंदर है वो एक्सपल आउट हो जाएगी और उस प्रोसेस को अपन एक्सहेलेशन कहते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, और इसके द्वारा आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को समझ सकते हैं। ये लेसन पूरा रेस्पिरेशन जो है इस लेसन का वो कंप्लीट हो चुका है।